हमारी बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन बिगर हमको बिगर बताए, बिगर इत्तला करे, हमारा घर खाली किया जा रहा है और हमको हमारा मीटर और हमारी पानी का कनेक्शन सब काट दिया, और कोई बात नहीं की, ना बिल्डर ने की, ना सेठ ने की, ना कोई देखने आया कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। दो तीन बार हमने हमारी बिल्डिंग को रिपेयरिंग किए, सब किए, सेठ ने कुछ नहीं किया, सब जो किए हमने, हमारा खुद का था, हमने हमारा घर खुद हमने बनाया, असगर सेठ का इसमें कुछ नहीं है, फिर इसने क्यों हमारी घर खाली करवा रहा है। त्यांना आम्ही वारंवार नोटीस देऊन त्यांनी खाली करण्याचं काही काही हे दाखवत नाही, त्यामुळे आज माननीय आयुक्त साहेबांच्या आदेशानुसार पोलिसांना बंदोबस्त घेऊन सदर पाणी आणि लाईट खंडित करण्यात आलेलं आहे। भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के तीन डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं, गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी। ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। बाला कंपाउंड घर नंबर 601 ही C1 मध्ये डिक्लेअर असल्यामुळे या बिल्डिंगमध्ये एकूण 250 परिवार राहतात, टोटल लोक राहतात, आणि त्यांना आम्ही वारंवार नोटीस देऊन त्यांनी खाली करण्याचं काही काही हे दाखवत नाही, त्यामुळे आज माननीय आयुक्त साहेबांच्या आदेशानुसार पोलिसांना बंदोबस्त घेऊन सदर पाणी आणि लाईट खंडित करण्यात आलेलं आहे। घर नंबर 601 बाळा कंपाऊंड या ठिकाणी मालिक अजगर शेठ म्हणून आहेत, त्यांना कायद्यानुसार नोटीस दिलेली आहे आणि रहिवाशांना पण नोटीस दिलेली आहे। नल कनेक्शन आरोप वॉट हाँ विजित पाणी पुरवठा 2B आया है और हमारी बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन बिगर हमको बिगर बताए, बिगर इत्तला करे, हमारा घर खाली किया जा रहा है और हमको हमारा मीटर और हमारी पानी का कनेक्शन सब काट दिया, और कोई बात नहीं की, ना बिल्डर ने की, ना सेठ ने की, ना कोई देखने आया कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, सब मीटर उठा के लेके गए और हमें परेशान हाल छोड़ दिए, जबरदस्ती करे, ना कोई सुनवाई ना कोई बात है। तो हम खुद का है, हमारा खुद का घर है, पूरा दो तीन बार हमने हमारी बिल्डिंग को रिपेयरिंग किए, सब किए, सेठ ने कुछ नहीं किया, सब जो किए हमने, हमारा खुद का था, हमने हमारा घर खुद हमने बनाया। नहीं, नोटिस आती थी लेकिन हमारी सेठ से कोई बात ही नहीं हुई, कोई बात उसने कभी किया ही नहीं कि ये नोटिस क्यों आ रही है, क्या आ रही है, धोखा है नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इत्तला ही नहीं है, बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अब भाड़ा लेते हैं, दूसरे को भेजते हैं, भाड़ा ले लेते हैं। भाड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पगड़ी सिस्टम था क्या? पगड़ी पगड़ी सिस्टम है, हम 40-45 साल पुराने किराएदार है, मतलब हम पूरे किराया नहीं, मतलब पगड़ी वाले हैं, हमारा खुद का घर है, हमने आज तक जो भी किया खुद का किया, मीटर जो भी है हमारा खुद का है, नल जो भी है हमारा खुद का है, हमारे खुद के नाम पे, असगर सेठ का इसमें कुछ नहीं है, फिर इसने क्यों हमारी घर खाली करवा रहा है। तो अभी अगर जिस तरह से कॉर्पोरेशन वाले आके थोड़ा कार्रवाई करके जा रहे है, तो अब आप लोग कहाँ जाओगे? हमें कोई ठिकाना नहीं, हमें वो ठिकाना दे, हमें ठिकाना देना, सेठ देगी कॉर्पोरेशन वाले दोनों दे, जब कॉर्पोरेशन खाली करा रही तो कॉर्पोरेशन वालों को समझना चाहिए कि सामने वालों को कहाँ जाए, हमें तो खाली करवा दिया जा रहा है, आप कानून नियम कायदा पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेकसूर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं हो, कहाँ से भाड़ा भरेंगे भाई? जिसके पास पैसा उसका इंतजाम होगा, जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? इसकी कोई हक की आवाज कोई उठाएगा, कोई देखना चाहेगा कि नहीं देखना चाहेगा? बिल्डर को भी समझ में आना चाहिए भाई कि गौर गरीब छोटे छोटे बच्चे किसके घर में कमाने वाले हैं नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, कहाँ से भाड़ा भरेंगे? आप लोगों को सुनवाई नहीं चाहेंगे, घर तो चाहिए आपको, फुकर में घर चाहिए किसी का भी, बिगड़ सोचे बिगड़ समझे कुछ भी कर लेंगे, तो भाई आपके आवाज से हमारी यही इच्छा है। बोलते थे सेठ कितने कितने परिवार होंगे टोटल इस पूरी बिल्डिंग में? 45-50 घर है लगभग पूरे बिल्डिंग में, तीनों माला ले 250 लोग होंगे। हाँ आराम से सबका घर जा रहे हैं।
सबका जा रहा है, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ भी नहीं बचा। सेठ के ऑफिस में जाते हैं, सेठ बोलते देखेंगे कोई बात, उन्होंने आज तक हमारे लोगों से की नहीं, हमारे लोगों को कोई इसकी इत्तला नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी हक की आवाज उठे और हम कोर्ट में जाएंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारा घर फोकट का नहीं है, मेहनत का है। हमारे कहे लोग मर गए घरों के लिए और हम भी हमारे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी महंगाई के वक्त में कैसे गुजारा होगा? आप मेहरबानी कीजिए, आपके चैनल से ये बात को समझिए और तमाम बिल्डरों से गुजारिश है कि बिगर लिखत पढ़त करे किसी का घर ना छीने। घर की अहमियत समझिए, आप भी किसी के बेटे किसी के भाई है, किसी के घर की अहमियत समझे। आप भी तो छोटे से बड़े किसी छत के ही नीचे हुए होंगे, ऐसे किसी का घर ना छीनिए। मेहरबानी करके, अस्सलाम वालेकुम।